अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में जो है वो मैं लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। दिस लेक्चर इज़ लुकास रीजन टेस्ट। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो न्यू बुक है हमारे पास 2024 की, इसमें चैप्टर नंबर 7 हमारा है, दिस इज़ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चूँकि मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है ओवरऑल इसका चैप्टर, एक टॉपिक इसका बस हमारे मेरे पास रहता था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो अलग से बना दी जाए। तो वो टॉपिक अल्कोहल से रिलेट करता है, बाय दिस टॉपिक अल्कोहल, और उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब लुकास रिएजेंट टेस्ट किसे कहते हैं, तो व्हाट इज दिस लुकास रिएजेंट टेस्ट, इसके लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आसान टॉपिक है और ये हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आंसर में भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपके पास ये आ सकता है अबाउट लुकास रिएजेंट। तो समझने की बात ये कि लुकास रिएजेंट किसे कहा जाता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और जिंक क्लोराइड ZnCl2, इनका जो हमारे पास मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। साइंटिस्ट का नाम तो लुकास उसके नाम पर है, जिसमें से ये जो ZnCl2 हमारे पास है, ये तो हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इस रिएक्शन के अंदर, जबकि HCl जो है वो एज अ रिएजेंट यूज होता है जो रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, व्हाई लुकास रिएजेंट इज यूज, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसको हम यूज करते हैं ताकि हम फर्क कर सकें किसके बीच में, बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि आप जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स लाइक वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब हमारे पास होता है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स दिस इज टर्शरी अल्कोहल। मीन्स कि अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स अगर आपको प्रोवाइड कर दिए जाए, ठीक, इफ यू आर प्रोवाइडेड द 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग करके, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ, जैसे कि आपको ये 3 टेस्ट ट्यूब दिए जाएं, और तीनों के अंदर क्या किया जाए कि अलग अलग अल्कोहल डाल दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि उसके अंदर हमने 1 डिग्री अल्कोहल डाल दिया, यहां इसमें 2 डिग्री अल्कोहल डाल दिया, इसमें हमने 3 डिग्री अल्कोहल डाल दिया, और तीनों लगभग देखने में बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, ट्रांसपेरेंट लाइक कलरलेस लिक्विड्स हैं। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई के किसमें हमारे पास 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो ये काम बड़ी आसानी से लुकास रिएजेंट के जरिए किया जा सकता है, ठीक है। इस समय क्या आप करना पड़ेगा, इन तीनों के अंदर हमें लुकास रिएजेंट डालना पड़ेगा, फिर इससे हमें एक ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी जिसकी वजह से हम फर्क कर पाएंगे इन तीनों के बीच में। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की तरफ अगर हम आते हैं, तो जब भी याद रखिएगा कि जब भी अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल है ROH, इसके रिएक्शन जब भी होता है HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब देखिए रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है कि OH H पर प्लस चार्ज आ जाता है, Cl पर माइनस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज, R पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस से जुड़ता है और माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है तो वो हमारे पास आ सकता है क्या, दिस इज RCl, मतलब अल्काइल हैलाइड हमारे पास को, अल्काइल क्लोराइड को हमारे पास हो जाएगा RCl प्लस H2O वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि दिस इज अल्काइल हैलाइड हमारे पास बना एक, और ये वाटर बना, और ये जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनता है ना, इसकी व्हाइट प्रिसिपिटेट होते हैं, व्हाइट PPT की सूरत में ये हमारे पास आता है,
वाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में, ठीक है। तो इसी चीज को हमें समझना है। अच्छा, अब इसमें ये देखें, एक चीज हम जानते हैं कि जब भी अल्कोहल रिएक्शन करता है, व्हेनेवर अल्कोहल डज रिएक्शन, तो अल्कोहल दो तरह से रिएक्शन कर सकता है। तो अगर मैं अल्कोहल बना देता हूं, आर ओ एच होता है ना अल्कोहल, अब अल्कोहल जो है ना उसके बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं वो दो तरह से ब्रेक होते हैं। अल्कोहल कभी कभार अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ओ एच के बीच का, एच पर प्लस चार्ज आ जाता है, आर ओ पर माइनस चार्ज आ जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि अल्कोहल एज एन एसिड बिहेव कर रहा होता है, और कभी अल्कोहल एज अ बेस बिहेव करता है कि बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दो तरह के हम यहाँ पर जो है वो बॉन्ड के ब्रेकेज को देखते हैं, किसके अंदर बेटा, अल्कोहल्स के अंदर। अब जो चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है, लाइक के ठीक है बेटा, सो मैं क्या बता रहा था आपको कि दो तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना ओ और एच के बीच का, जब अल्कोहल अपना एसिडिक नेचर शो करता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 3 डिग्री से। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन और जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें रिवर्स रिएक्टिविटी होती है, देखिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 1 डिग्री से, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है लुकस रिएजेंट टेस्ट के अंदर, तो वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अल्कोहल के अंदर, आर ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट्स हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री जो है वो टर्शरी वाला जो होगा यहाँ पर, ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो प्राइमरी वाला होगा यहाँ पर दिस विल बी लीस्ट रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होगी। तो अब इन केस अगर हमारे पास, अब देखिए तीन तरह से अल्कोहल है ना जिनका रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल भी हमारे पास है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हमारे पास है, और 3 डिग्री अल्कोहल भी हमारे पास है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर तीनों का रिएक्शन अगर हम सेम रिएजेंट से कराते हैं, लाइक लुकस रिएजेंट से कराते हैं, एक तीनों का रिएक्शन अगर हमने HCl से करा दिया, और ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये हमारे पास लुकस रिएजेंट है, तो इस पर क्या होगा हमारे पास के जो रिएक्शन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में, तो यहां पर अब चूंकि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जल्दी रिएक्शन हमारे पास कर लेगा, और उसके अंदर जो है ना हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है ना उसके अंदर 3 डिग्री में इमीडिएटली फॉरन से अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वाइट PPT अपेयर्स इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स फॉरन से वाइट PPT अपेयर हो जाएगा हमारे पास। 2 डिग्री में क्या होगा कि ये जो वाइट PPT है वो थोड़ी देर के बाद अपेयर होगा, आफ्टर सम टाइम, ये तो फॉरन से इमीजिएटली हो गया ना भाई, लेकिन ये जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स में क्या होगा, आपको वाइट PPT जो है वो अपेयर होती हुई इसके अंदर जो है वो दिखाई देगी। तो वाइट PPT अपेयर्स आफ्टर सम टाइम, द कुछ वक्त गुजरने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट इसके अंदर बनेंगे, मतलब अल्काइल हैलाइड के, और 1 डिग्री में तो वाइट PPT फॉर्म ही नहीं होगा, मतलब आप उसमें जितना भी रुक जाए, तो हम चूंकि इसकी रिएक्टिविटी रीस्ट है तो हम कहते हैं वाइट PPT डजंट फॉर्म, इसमें वाइट PPT फॉर्म ही नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप इसी को हीट कर दें, इस टेस्ट ट्यूब को आप हीट कर देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर भी वाइट PPT फॉर्म हो जाएगी। तो PPT फॉर्म्स अपॉन हीटिंग, तो हीटिंग करने पर PPT की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने जो देखा बच्चों, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम कहते हैं जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में एक डिफरेंस या एक फर्क हमारे पास जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लुकस रिएजेंट टेस्ट पर चैप्टर 7 से। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।